जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ JAM 2023 यानी कि ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आप जैसे ही वो पोस्ट ओपन करेंगे तो आपको इंपोर्टेंट लिंक्स में अप्लाई ऑनलाइन लिंक मिलेगा, तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। अब यहां पर आने पर आपको क्या करना है, आपको न्यू यूजर क्लिक हियर टू रजिस्टर यहां पर क्लिक करना है। अब इसके बाद में आपके सामने यहां पर जो पेज है कुछ इस तरह का होगा, जिसमें कि आपको पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम है तो डाल दीजिए नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर आपको यहां पर सरनेम यानी कि लास्ट नेम एंटर करना है, देन आप यहां पर अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे और ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, एक पासवर्ड यहां पर क्रिएट कर लेंगे जिसका स्पेसिफिकेशन यह है कि उसके अंदर आपका इंग्लिश के स्मॉल वर्ड और जो आपका कैरेक्टर है वो 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में रहना चाहिए, यानी कि आपके पासवर्ड की लेंथ 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में रहनी चाहिए। देन जो भी पासवर्ड आपने बनाया है उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है, और फिर जैसे कि 8-1-7 जो भी यहाँ पर आपके सामने है वो आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर टिक करना है और जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी को अच्छे से चेक कर लेना है और फिर बाद में सबमिट पर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको बोला है आपको इनरोलमेंट आईडी एंड जो ओटीपी है उसकी जानकारी ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अभी आपको इस सेक्शन के अंदर अपनी ईमेल आईडी या फिर इनरोलमेंट आईडी यहां पर एंटर करनी है, जो पासवर्ड आपने बनाया है वो पासवर्ड यहां पर डालना है, ये कैप्चा कोड फिल करना है और फिर सबमिट पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है और आप इसको वेरीफाई ऐसे ही करेंगे क्योंकि जो आपको जानकारी दी गई है ईमेल और मैसेज के माध्यम से उसमें आपकी इनरोलमेंट आईडी है और नीचे आपका ओटीपी है, तो वो ओटीपी यहां पर आपको है और फिर वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है, तो आपकी दोनों चीजें इस तरह से यहां पर वेरीफाई हो जाएगी। फिर आपको एडिट एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में यहां पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस है जहां पर आपसे कुछ सवाल पूछे हैं, जैसे कि यहां पर है कि प्लीज सिलेक्ट द नंबर ऑफ टेस्ट यू वांट टू अपीयर फॉर इन JAM 2023, किसके कितने पेपर के लिए आप अपीयर होना चाहते हैं, एक या फिर दो, तो ये आपकी चॉइस है कि किसके लिए आप अपीयर होना चाहते हैं, एक पर भी और फिर दो पर भी। जैसे कि यहां पर हमने दोनों को सिलेक्ट किया तो आता है प्लीज सिलेक्ट टेस्ट पेपर फर्स्ट फ्रॉम फोरनून सेशन। फोरनून सेशन से आप कौन से टेस्ट को देना चाहते हैं वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए और फिर यहां पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर दीजिए। इसके बाद आफ्टरनून सेशन पेपर टू, इसमें आप कौन से सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दे रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि कौन से पेपर को, तो यहां से इसको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके वेरीफाई कर दीजिए। फिर आता है आपके सामने चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटी फर्स्ट, पहली चॉइस आप एग्जाम सेंटर के लिए किस सिटी को देना चाहते हैं, सेकेंड चॉइस आप किसको रखना चाहते हैं वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है, थर्ड चॉइस आपको क्या रखनी है वो भी आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे आपके यहां पर पर्सनल डिटेल दी गई है, आपको इन जानकारी को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद यहां पर आपकी नेशनलिटी दी गई है। फिर आईडी प्रूफ में आपको एक आईडी सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आईडी आपने सिलेक्ट की है उसका नंबर यहां पर दे दीजिए। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है, क्या आप विकलांग है, अगर हां तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आता है आपका नेम ऑफ द पेरेंट और या फिर गार्जियन, आपके जो भी अभिभावक है उनका नाम दे दीजिए या फिर आप यहां पर अपने पिताजी का नाम एंटर कर दीजिए, जो भी आपके बेसिकली पेरेंट है उसकी बात यहां पर ये हो रही है। फिर आता है आपका मोबाइल नंबर ऑफ द पेरेंट गार्जियन, जिसका नाम आपने यहां पर दिया है उनका जो मोबाइल नंबर है वो यहां पर आपको देना है। फिर आता है एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहां पर एंटर करना है। मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में भरा हूं तो यहां पर मैं कुछ भी ऐसे ही लिख करके आपको बता रहा हूं। फिर आती है एड्रेस लाइन 2-3, अगर आपका एड्रेस लॉन्ग है तो आप लाइन 2 और 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो पहली लाइन के अंदर ही अपना एड्रेस पूरा फिल कर सकते हैं। फिर आते हैं सिटी टाउन, तो जो भी आपकी सिटी है टाउन है वो आप यहां पर लिख दीजिए और पिन कोड आपका क्या है वो भी यहां पर आपको डाल देना है। इसके बाद यहां पर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको देना है। डिस्ट्रिक्ट का नाम देने के बाद में आप यहां पर देखेंगे आपकी स्टेट और फिर यहां पर कंट्री भी आपके सामने आपकी दी गई है। डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, तो क्वालिफाइंग डिग्री आपकी कौन सी है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है, इनमें है तो सिलेक्ट कर लीजिए नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद अगर आप अदर्स पर क्लिक करते तो आपको यहां पर डिग्री का नाम देना होगा। फिर आता है डिसिप्लिन ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, आपका जो क्वालिफाइंग डिग्री है इसका डिसिप्लिन क्या है, जैसे कि यहां पर मैं बी सिलेक्ट करता हूं तो आपने किसके अंदर की है वो आपको यहां पर लिखना है।
तो चलिए हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं। फिर हैव यू ग्रेजुएटेड इन दी अबो डिग्री, क्या आपने ऊपर वाली डिग्री में ग्रेजुएटेड कर लिया है, ग्रेजुएट हो चुके हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते तो आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने ये क्वालिफिकेशन की है। फिर आता है एड्रेस ऑफ द कॉलेज यूनिवर्सिटी, कॉलेज डिटेल फ्रॉम वेयर द क्वालिफाइंग डिग्री वॉज ऑब्टेंड और इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेंड, यानी कि आपको उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम देना है जहाँ से आपने क्वालिफिकेशन की है या फिर आप करने वाले हैं, तो ये आपको यहाँ पर लिख देना है। इसको लिखने के बाद में आता है सिटी टाउन ऑफ द कॉलेज, आपका जो कॉलेज का सिटी है या फिर टाउन है वो आपको लिखना है। पिन कोड भी आपको यहाँ पर कॉलेज का अपना दे देना है, यानी कि कहाँ पर कॉलेज स्थित है उसका पिन कोड आपको देना होगा। फिर आता है स्टेट यूनियन टेरिटरी, किस स्टेट के अंदर स्थित है वो भी स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अब नीचे आता है आपके सामने अपलोड डॉक्यूमेंट, जहाँ पर जो आपका फोटो है उसका जो वाइड और हाइट है वो 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का रहना चाहिए। साइज 20 से 200 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका फोटो है जो आपने इन डायमेंशन को ध्यान में रखते हुए क्रिएट किया है वो आपको अपलोड करना है। तो यहां पर जैसे ही आप अपना फोटो फाइल सिलेक्ट कर लेंगे फोटो यहां पर आ जाएगा। अब मैं यहां पर अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करता हूं तो इसके बाद आपका फोटो यहां पर आ जाएगा। फिर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके सिग्नेचर अपलोड करना है जिसका साइज 5 से 150 KB के बीच में रखा है। तो सेम वे में आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर आपका सिग्नेचर है उसको आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहां से ओपन करेंगे तो आपको यहां पर इसको अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देना है। तो यहां पर आपका सिग्नेचर इस प्रकार से आ जाएगा अगर दिए गए साइज और डायमेंशन के अंतर्गत रहेगा। फिर आपको यहां पर डिक्लेरेशन में आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है और नीचे आपसे पूछा कि हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट JM 2023, आपने JM 2023 के बारे में कहां से जाना। तो आप यहां पर कोई भी एक रीजन सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि यूनिवर्सिटी न्यूज जॉब वेबसाइट, तो यहां से मैं जॉब वेबसाइट सिलेक्ट कर लेता हूं। और फिर यहां पर आप पहले तो इस जानकारी को सेव एंड अपडेट के ऊपर क्लिक करके सेव कर लीजिए। फिर आप यहां पर सेव एंड व्यू भी कर सकते हैं कि आपने जो जानकारी भरी है वो बिल्कुल सही है या फिर नहीं। इसके बाद आप यहां पर प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली और आपको फीस का अमाउंट देखने को मिल पा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आपके सामने कैप्चा कोड है, आप यहाँ पर इसको फिल करेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा, जहाँ पर दोस्तों आपके सामने काफ़ी विकल्प है फीस को जमा करने के, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डेबिट कार्ड, अदर बैंक का डेबिट कार्ड, अदर बैंक की नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और UPI। तो जिस भी माध्यम से आप चाहते हैं कि एप्लीकेशन फीस जमा करें वही आप यहाँ पर उसके ऊपर सेक्शन के क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से जानकारी आएगी। आप यहां पर इसको कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद आप एक बार फिर से इसको कंफर्म करेंगे और फिर आपके सामने जानकारी फिल करने का सेक्शन आ जाएगा। आप जिस भी कार्ड का इस्तेमाल करना चाहते हो कार्ड यहां पर जानकारी फिल कर लीजिए और फिल करने के बाद जैसे ही फीस जमा हो जाएगी तो आपको इसी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग IIT JAM 2023 ऑनलाइन फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।